नमस्कार, आइडियो बुक में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस कड़ी में हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रारंभ हम सीबीआई की स्थापना से करते हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा दी गई है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी सहायता देती है। सीबीआई का आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि। तो आइए जानते हैं कि सीबीआई का आदर्श वाक्य यानी इसका मोटो क्या है। इसमें उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी की झलक देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य यानी मिशन संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों की विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर राज्य तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। इसकी दृष्टि यानी विजन अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्न पर केंद्रित करेगी, जिनमें सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तृत अनुसंधान तथा अभियोग द्वारा कमी लाना, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना, साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वहन करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण कलाओं, कला वस्तु के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यवसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंच सके। सीबीआई का संगठन। वर्ष 2016 तक सीबीआई में कुल 7 शाखाएं शामिल थी, जिनमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निर्देशालय, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। अब सीबीआई का संगठन किस प्रकार किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। निर्देशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निर्देशक अथवा अतिरिक्त निर्देशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निर्देशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कर्मी होते हैं। लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। सीबीआई निर्देशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में जब दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान
यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निर्देशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्न बदलाव किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, उनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति कर सकती है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निर्देशक मंडल होना चाहिए जिसके शीर्ष पर एक निर्देशक होगा। यह निर्देशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगी। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्षों तक कार्यालय में रहना चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा उससे ऊपर के रैंक की नियुक्ति करनी चाहिए। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2004 ने एक परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई मान्य नेता ना हो, वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो उसका नेता समिति का सदस्य होगा। सीबीआई के कार्य। केंद्र सरकार के कर्मचारी के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि के उल्लंघन के मामले, पेशेवर अपराधियों के संगठन गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के अनुसंधान पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना, आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। सीबीआई भारत सरकार की एक बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने आप को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामलों को भी राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में ले सकती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वानुमति का प्रावधान। केंद्र सरकार तथा इसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें प्रावधान जोड़े जाते हैं। अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। 6 मई 1912 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत थी।
एक संविधान पीठ ने फैसला लिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A में, जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। CBI बनाम राज्य पुलिस। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी SPE दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन की स्थिति ना आए, इसके लिए निम्न प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। SPE उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित है, भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। दूसरा, राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्य संबंधित हो, भले ही उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। SPE लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित किए गए हों। CBI अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसे 1946 में प्रारंभ किया गया। इसके पूर्व CBI प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। CBI अकादमी का दृष्टि यानी इसका विजन है अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है CBI के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को तथा पेशेवर उद्यमी निष्पक्ष निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनने के लिए प्रशिक्षण देना। अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है, साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। गाजियाबाद की CBI अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में 3 प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं, जिनमें ये प्रशिक्षण केंद्र पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिनमें पहला लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम। इसमें CBI अधिकारियों, राज्य पुलिस केंद्र, अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए यह पाठ्यक्रम जारी किया जाता है। और दूसरा, लंबी अवधि का पूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें सीधे नियुक्ति DSP, उप निरीक्षक तथा CBI सिपाहियों के लिए बनाया गया है। शुक्रिया।